Namaste Rudra Manyava Mutota Ishave Namah Mahuvya Mutate Namah Yate Rudra Shivatanu Guraha Papakashini Dayanastanma Shantamaya Girishanta Vichakashi Yamishum Girishanta Haste Birvanyantare Shivangiritha Thakuru Mahasaya Shivena Vachasatva Girishvachavaravase Yathana Sarvamegya Tadayakshan Sumanasa. चलकर महादेव को बताना चाहिए। हमें पिताश्री से भय लग रहा है, क्रोधित होकर यदि उन्होंने कुछ मेरा अहित करना उनके वश में नहीं है सती। नारायण नारायण, जय शिव शंभू। अरे नारद जी, आइए आइए। यज्ञ का निमंत्रण तो आपको अवश्य मिला होगा। यज्ञ? कैसा यज्ञ? आश्चर्य, अभी तक आपको निमंत्रण नहीं मिला? कौन सा यज्ञ मुनिवर? क्या कहा,
अभी तक नहीं मिला? आप बताएंगे मुनिवर, कौन सा यज्ञ? आपको पता नहीं है? इसका तात्पर्य ये है कि... नारद! दक्ष, दक्ष, यज्ञ। पिताश्री, यज्ञ कर रहे हैं? और हमें ही? वही तो! हम जानते हैं, ऐसा उन्होंने हमें अपमानित करने के विचार से ही किया है। हमें आमंत्रित न करके उन्होंने... शांत हो जाएं स्वामी, शांत हो जाएं। पिताश्री ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, वहां समस्त राजाओं और मुनियों को आमंत्रित किया है। यदि हम वहां उपस्थित नहीं रहे तो हमें वहां जाना चाहिए स्वामी। परंतु उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है सती। तो क्या हुआ, हम उनकी पुत्री हैं और आप हमारे स्वामी हैं, क्या हमें किसी निमंत्रण की आवश्यकता है? आवश्यकता है। ये आयोजन उन्होंने हमारा अपमान करने के उद्देश्य से ही किया है। बिना निमंत्रण के वहाँ उपस्थित होना कदापि शोभा नहीं देगा प्रिय। वो देखिए, सभी वहाँ जा रहे हैं। हमारा हृदय नहीं मान रहा है। आप वहाँ चलिए तो स्वामी, देखिएगा कैसे पिताश्री सभी मान अपमान एवं अभिमान को भुला बैठेंगे। आपके पिता दक्ष को मैं आपसे कहीं अधिक जानता हूँ सती। वहाँ जाने का अर्थ होगा हमारा और भी अधिक अपमान। नयन से अश्रु पोंछ लीजिए सती। समझ गए, आपका दुख समझ सकते हैं। हमारी बात सुने, क्या हुआ, हमारी ओर देखिए। आप यज्ञ में जाइए। और आप? नहीं, हमारा वहां जाना उचित नहीं होगा। आप अकेले ही वहां जाएं। परंतु सभी... आप कुछ न बोलें। अब आप शीघ्र अपने नयन से अश्रु पोछिए। स्वामी साथ में न हो तो हम यज्ञ में जाकर क्या करेंगे? हमें उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है, परंतु आपके विचारों का सम्मान भी तो करना होगा। तो हमें आज्ञा दें स्वामी। जाओ। दक्ष का निमंत्रण प्राप्त होने पर भी हम वहां नहीं गए, क्या ये उचित है? शिव जी को यज्ञ में निमंत्रण ना मिलना वहां किसी भयंकर घटना का सूचक है। उनके क्रोध से दूर रहना ही उचित है। Hula 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 gili gili hula 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 hula 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 gili g
महादेव पधारे हैं कि नहीं? नहीं, वो नहीं आए। ये उचित ही हुआ। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या? तुम यहाँ? जी पिताश्री, आपने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, अतः हम स्वयं को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। हम महादेव की अनुमति लेकर यहाँ आए हैं। अनुमति? उस उद्दंड से? पिताश्री, उसने मेरा अपमान किया था। अपमान आप उनका कर रहे हैं। शांत रहो। तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें करो। उस पाखंडी भूत के साथ रहकर तुम्हारी ये दुर्गति हो गई है, लज्जाजनक। क्षमा करें महादेव। बंद करो अपना मुख, बंद करो अपने स्वामी की प्रशंसा। महाराज, माता सती तो आपकी पुत्री हैं। मेरा तो कहना है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मात्र मैं बोलूंगा, मात्र मैं। मैंने उसे निमंत्रण नहीं भेजा तो उसने अपनी पत्नी को यहाँ भेज दिया। सोचा होगा अपनी पुत्री को देखकर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ये आप उचित नहीं कह रहे हैं। हमारे नेत्रों से प्रवाहित होते अश्रुधार को देखकर वो द्रवित हो उठे। छल है ये सब उसका छल है। पिताश्री, वो भोलेनाथ है, उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है। जो जगत के सबसे नीच प्राणियों के साथ वास करता है उसका हृदय शुद्ध होगा। जी जी, ऐसे स्वामी के होने से तो अच्छा है स्वामी का ना होना। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित कह रहा हूँ। ऐसे स्वामी के होने से तो अच्छा है स्वामी का ना होना। आपने हमारे स्वामी का घोर अपमान किया है पिताश्री। ये अपमान अब हम सहन नहीं कर पा रहे हैं पिताश्री। अब हम देह त्याग कर रहे हैं। पुत्री? हाँ पिताश्री, हम जा रहे हैं। अब हम एक और जन्म ग्रहण करेंगे और वहाँ भी हम उन्हें अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करेंगे, किंतु आपकी पुत्री के रूप में नहीं, हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। सती! महादेव को सूचना देनी होगी। प्रणाम देवाधिदेव। कोई दुखद समाचार? अब वो क्या है कि देवर्षि, देवर्षि। महादेव, महादेव, महादेव। बताइए, ऐसी कौन सी दुखद घटना घटी है? महादेव। बताइए देवर्षि, हमें शीघ्र बताइए, अन्यथा हम आपको भस्म कर देंगे। माता सती ने देह त्याग कर दिए। देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। आपके विषय में दक्ष ने माता सती को अपमानजनक वचन कहे। देवर्षि, ये अपमान माता सती को असहनीय हो उठा। सती, ये क्या? कैसे आप हमें छोड़कर चली गईं? हमने आपको कितनी बार वहां जाने से रोकने का प्रयास किया, क्यों गई आप वहां? वीरभद्र, हम तुम्हें आदेश देते हैं, दक्ष का वध कर दो। जाओ, इसी क्षण जाओ। रक्षा करो,
रक्षा करो, जान बचाओ, भागो, बचाओ, बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, आए शिव शक्ति, भागो, रक्षा करो, 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 कोई बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हमें भान था इस प्रकार का अवश्य कुछ घटेगा। भयंकर महादेव के प्रति अपशब्द कहकर उसने मृत्यु को आमंत्रित किया, किंतु महादेव को अब किस प्रकार शांत किया जाए? हम भी उसी पर विचार कर रहे हैं। प्रभु, यदि हम सभी मिलकर रक्षा करें, प्रजापति रक्षा करें, हे नारायण रक्षा करें। शांत हो जाएं आप सभी। हे प्रजापति, वीरभद्र हमारा काल बनकर घूम रहा है। वो अत्यंत बलशाली है, वो महादेव का अंश है। ठीक है, हम सभी मिलकर महादेव के पास चलते हैं, क्योंकि उन्हें शांत करना आवश्यक है। अब अन्य कोई उपाय नहीं है। महादेव, अब आप शांत हो जाएं। वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया है, अब आप शांत हो जाइए महादेव। हम सभी गर्भवत होकर आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, यदि आप शांत नहीं हुए तो त्रिलोक का विनाश निश्चित है। और आप तो त्रिलोक के मंगल की कामना करते हैं, है ना महादेव? हम सबको इस घटना पर अपार दुख है। आप एक बार वहाँ यज्ञ स्थल पर चले महादेव। हे महादेव, इसके पश्चात तो प्रसूति को बचाया नहीं जा सकता, वो तो निर्दोष है। और सती, हमारी सती भी तो निर्दोषी थी ना? दक्ष ने अनुचित किया था, उसे दंड भी प्राप्त हो गया, किंतु उसकी पत्नी ज्ञान है। हम दक्ष नहीं हैं, अतः हम प्रसूति के जीवन को इस प्रकार नष्ट नहीं होने देंगे। हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। माते, शांत हो जाए माते। क्षमा करें, क्षमा करें। कृपया मेरे साथ आप इतना घोर अन्याय ना करें। मेरे स्वामी, मेरी पुत्री, दोनों ही नहीं रहे। अब आप मेरे भी प्राण हर ले महादेव। इस जगत में अब मेरे हेतु कुछ शेष नहीं। दक्ष एवं सती के पुनः प्राण प्रतिष्ठा करें महादेव। नहीं नहीं, सती को पुनः जीवित कर हम उसे और यंत्रणा नहीं देना चाहते, परंतु हम दक्ष को पुनर्जीवित अवश्य करेंगे। महादेव, महादेव। अब इस शीश के साथ ही आपको यह जीवन व्यतीत करना होगा। आभार। महादेव,
नारायण, आप ही कुछ करें। महादेव विरक्त भाव में हैं। उनकी यात्रा कहां समाप्त होगी कह पाना संभव है। उन्हें रोक पाने का क्या उपाय हो सकता है? मास प्रति मास वो माता सती का देह लिए चले जा रहे हैं। स्वर्ग, मर्त्य, महाशून्य, दिवस रात्रि। नारायण नारायण। देवर्षि, आप ही कोई उपाय क्यों नहीं सुझाते? यदि आप अपने चक्र से माता सती की देह छिन्न कर सकें तो। देवर्षि। हाँ विष्णु, देवर्षि उचित कह रहे हैं। परंतु महादेव यदि और अधिक रुष्ट हो गए तो? नहीं होंगे, इस समय महादेव मोहग्रस्त हैं। उनका मोह भंग करने हेतु हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। ठीक है, यदि आप सबका यही विचार है तो आप विलंब न करें। नारायण नारायण। महादेव, 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 हम सती हैं। सहस्त्र वर्षों के उपरांत हमने हिमालय के घर में उनकी पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया है। अब हम विवाह योग्य हो चुके हैं। हम पुनः आपके पास आना चाहते हैं। हम आपकी तपस्या में मग्न हैं। स्वीकार करें हमें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। सती, पार्वती, पार्वती। महादेव, आप कहाँ हैं? आपने हमें पुकारा महादेव? हाँ पार्वती, हमने ही आपको पुकारा।
क्या आप हिमालय पर हैं? हाँ महादेव, हम हिमालय पर हैं। हिमालय हमारे पिता हैं एवं मेनका हमारी माता। शीघ्र ही आप हमारी पत्नी बनेंगी पार्वती, अति शीघ्र। आप सभी हिमालय के समक्ष जाएंगे, हिमालय और मेनका को हमारा संदेश सुनाएंगे। जितना शीघ्र हो सके ये विवाह संपन्न होना चाहिए। हम शीघ्र प्रस्थान करेंगे महादेव। आप निश्चिंत रहें। आप सभी के हम अत्यंत आभारी हैं। आभारी तो हम हैं महादेव कि हमें यह शुभ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब आप सभी विलंब न करें तथा शीघ्र प्रस्थान करें सप्तऋषि। जैसी आज्ञा महादेव। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर पा रहा सप्तऋषि। हे ईश्वर, मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मैं कितना भाग्यवान हूँ। आपकी पुत्री पार्वती ने तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया है महाराज, वो भाग्यवती है। ये उसके पुण्य का फल है। सप्तर्षि, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? पूछिए माता मेनका। सुना है महादेव दृष्टि नंदन है, उनका वर्णन कर सकते हैं? वो श्रेष्ठ है, वो सौम्य है, वो विशाल है, वो बलशाली है, वो त्रिकालज्ञ है, वो रुद्र है, वो शांत है, वो महादेव है, वो सुंदर है, सभी देवताओं से सुंदर है। मैं उनके दर्शन हेतु उत्कंठित हूँ, अति व्याकुल हूँ। शीघ्र अति शीघ्र विवाह की व्यवस्था की जाएगी। सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों को आदर सहित आमंत्रित किया जाएगा, उचित है ना मेनका? आपसे जितना शीघ्र संभव हो सके। ठीक है, तो अब विलंब क्यों करें? नारद। महादेव, विवाह का उत्तरदायित्व अब हम आपको सौंपते हैं। आयोजन एवं आमंत्रण में कोई त्रुटि न रहने पाए। आप निश्चिंत रहें देवाधिदेव, नारद ही एक है जो सर्वश्रेष्ठ आयोजन कर सकता है। देव, देवियां, मुनि, ऋषि, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत, कोई शेष नहीं रहेगा। अब हम पार्वती के दर्शन हेतु अत्यंत व्याकुल हैं। महादेव, वो भी व्याकुल हैं आपके दर्शन हेतु। शिव जी है मारे जिसके कन्या वो पार्वती, देह त्याग समर्पण। हमारे नेत्रों से प्रवाहित होते अश्रुधार को देखकर वो द्रवित हो उठे। छल है ये सब उसका छल है। अब हम देह त्याग कर रहे हैं पुत्री। भाग्यशाली है चारों ओर बिखरे सुगंध पकवान।
विवाह विवाह विवाह, आज महादेव का विवाह है। पार्वती तो महादेव के दर्शन हेतु व्याकुल हैं ही, परंतु उनसे भी अधिक व्याकुल है मेनका, पार्वती की माता। कैसे कैसे होंगे उनके जामाता? देवर्षि देवर्षि देवर्षि। माता, सारे सारे अतिथि गण पधार रहे हैं। वो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, ये निश्चित ही महादेव होंगे। नहीं 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 माते, वो तो गंधर्वों के राजा विश्वावसु हैं। महादेव तो और भी अधिक सुंदर हैं। ऐसा है, तब तो फिर वो होंगे, वही होंगे। कितने रूपवान हैं, ये निश्चित महादेव होंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो धनपति कुबेर हैं। महादेव तो और भी सुंदर हैं। और भी सुंदर हैं? कहीं वो तो नहीं? आहा, क्या रूप है, अति सुंदर। ये निश्चित महादेव हैं। माते, वो वरुण देव हैं। महादेव और भी, इससे भी अधिक रूपवान हैं, अधिक तेजस्वी हैं। क्या बोल रहे हैं देवर्षि, और भी रूपवान हैं, और भी तेजस्वी हैं। वो रहे, वही हैं। इस बार मैंने ठीक पहचाना है। वो देखिए देखिए देवर्षि, महादेव। नहीं माते नहीं, ये तो यमराज हैं। महादेव क्या और भी सुंदर हैं? सत्य वचन। आहा, मेरी पुत्री ने अपने स्वामी के रूप की कितनी प्रशंसा की थी। वो देखिए देवर्षि, महादेव। हे ईश्वर, कितना तेज है। तेज तो होगा ही, वो सूर्य देव जो है। महादेव तो और भी और भी और भी तेजवान है। क्या बोल रहे हैं देवर्षि, आप भी वो रहे वो रहे। आहा, आहा, कितने सुंदर है। ना 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 ना, ये तो विष्णु हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, महादेव क्या इनसे भी सुंदर हैं? हाँ माते, और भी सुंदर, और भी तेजस्वी, और भी शक्तिशाली। ओह ओह, और कितनी प्रतीक्षा करूं? कब तक कब तक? वो रहे, वही हैं, सबसे सुंदर, सबसे तेजस्वी। नैनों को तृप्ति मिल गई। यहाँ भी आपने भूल की है माते, ये तो बृहस्पति हैं। महादेव को देखकर तो आप अवाक रह जाएंगी माते। देवर्षि, अब मैं और अधिक कल्पना कर पाने में असक्षम हूँ। कब आएंगे वो, कब यहाँ आएंगे? हे मेरे ईश्वर, ये अब कौन आया? बैल पर सवार होकर साथ में भूत प्रेत चल रहे हैं। यही तो महादेव है माते। जय शिव शंभु। मेनका, महादेव की आज शादी, आए हैं हम भूत बराते। महादेव की आज शादी, आए हैं हम भूत बराते। लड्डू खाओ, पेड़े खाओ, जितना चाहे उतना खाओ। लड्डू खाओ, पेड़े खाओ, जितना चाहे उतना खाओ। पूरी हलवा जम के खाओ, बच जाए तो घर ले जाओ। पूरी हलवा जम के खाओ, बच जाए तो घर ले जाओ। चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, जल्दी जल्दी खा ले मिठाई, बहुत दिनों बाद मिली मिठाई, खा ले मेरे भैया। चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, जल्दी जल्दी खा ले मिठाई, बहुत दिनों बाद मिली मिठाई, खा ले मेरे भैया। मैं तो थक गया भाई, मैं तो थक गया।
क्या इस प्रकार के स्वामी को प्राप्त करने हेतु ये तूने क्या किया पार्वती क्या किया? माते 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 मेरे महादेव जी अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत रूपवान हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं, ये भूत के समान मुख वाला। मैंने कहा शांत रहें आप। मैंने पार्वती को अपने गर्भ में धारण किया है, मेरे पुत्र की चिंता आपको क्यों होगी? कहाँ है वो, कहाँ गए वो सातों दाढ़ी वाले महर्षि कहाँ हैं? उन सबकी तो आज मैं दाढ़ी नोच डालूंगी। कहाँ गए वो सभी? आज मैं सबको ठीक कर दूंगी। कहाँ है आप सभी? वो श्रेष्ठ है, वो सभ्य है, वो विशाल है, वो बलशाली है, वो रुद्र है। छी 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 छी। इतने सुंदर सुंदर देवताओं को छोड़कर वो एक बाघ छाल धारण करने वाले से विवाह करेगी? नमस्ते रुद्र मन्यव। प्रणाम माते। इतने सुंदर नयन, धन्य है मेरी पुत्री और धन्य हो गए हम सब। माते शिवे न हृदय मम तदस्तु हृदय तब यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। Thank you.
गणेश माँ, गणेश माँ, मेरे पुत्र। गणेश, हम उस पुष्प सरोवर में स्नान हेतु जा रहे हैं। तुम ध्यान रखना, वहाँ अंदर कोई प्रवेश न कर पाए। जैसी आज्ञा माते। आप तनिक भी चिंता ना करें माते, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम कौन हो बालक? मेरा नाम गणेश है। अत्यंत सुंदर नाम है, पत छोड़ो गणेश। मेरी माता उस पुष्प सरोवर में स्नान हेतु गई हुई हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं किसी को भी वहाँ न जाने दूँ। कौन है आपकी माता? पार्वती मेरी माता हैं। पार्वती? तब तो तुम हमारे भी पुत्र हुए। हम महादेव हैं। प्रणाम महादेव। गणेश, पार्वती ने तुम्हें जो आज्ञा दी है वो हमारे हेतु नहीं है। पथ छोड़ो पुत्र। क्षमा करे पिताश्री, माता ने कहा है कि मैं किसी को भी वहाँ न जाने दूँ। परंतु वो आज्ञा अन्य जनों हेतु है पुत्र। क्षमा करें, माता की आज्ञा का पालन मुझे करना ही होगा। तुम हमारा अपमान कर रहे हो गणेश। मैं तो केवल माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तुम हमारे क्रोध के विषय में नहीं जानते गणेश। तुम हमें जाने दो पुत्र। मैं विवश हूँ पिताश्री। क्या तुम्हारा ये दुस्साहस? देवाधिदेव महादेव की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? परंतु मैं माता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ पिताश्री। गणेश, क्या तुम्हें तनिक भी भय नहीं? नहीं पिताश्री, मुझे भय नहीं है, क्योंकि मैं आपका और पार्वती का पुत्र हूँ। नंदी, रिंगी, इसी क्षण इस बालक को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, शीघ्र। कृपया हमें छोड़ दे। करोगे? करो प्रहार। क्षमा कर दो हमें, हम चोटिल हो गए, हम जा रहे हैं। क्षमा क्षमा करे महादेव। हम पर ऐसा प्रहार किया उसने, सारी अस्थियां हिल गई हैं। यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ भी मारा और हर जगह मारा। क्या उसका ये साहस? Thank you.
रुष्ट हो गए हैं, अनर्थ हो जाएगा। उन्हें शांत करना ही होगा, विष्णु के पास जाना होगा। महादेव रुष्ट हो गए हैं, उन्हें यदि उन्हें शांत ना किया गया तो घोर घोर अमंगल हो जाएगा। अब मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रजापति ब्रह्मा के समीप जाना होगा। मैंने तुमसे अनेक बार कहा कि मेरे क्रोध को जागृत करने का प्रयास न करो, परंतु तुमने इतने घोर दुस्साहस का प्रदर्शन किया। मैंने तो कोई दुस्साहस नहीं किया। शांत रहो, इस दुस्साहस हेतु तुम्हें दंड मिलेगा। महादेव शांत हो जाए, शांत हो जाए। महादेव किया महादेव? गणेश आपका पुत्र है महादेव। इसका वध करके मिल गई शांति आपको? ये तो एक नन्हा निष्पाप बालक है, इसका वध करके क्या आपका क्रोध शांत हो गया? क्या किया था हमारे पुत्र ने, आपको जाने नहीं दिया? इसमें इसका क्या दोष था? ये तो मात्र हमारी आज्ञा का पालन कर रहा था। आप ज्ञानी है, आप वीर है, यही है आपके ज्ञान का परिचय, यही है आपकी वीरता का परिचय। पार्वती, हम कुछ नहीं जानते हैं, जिस प्रकार भी हो हमारे पुत्र को जीवित करना ही होगा। परंतु ये तो संभव नहीं है पार्वती। क्यों संभव नहीं है? आपके हेतु कुछ असंभव है क्या महादेव? आप चाहें तो संभव है। नहीं प्रजापति नहीं, अपने त्रिशूल से हमने जो मस्तक विच्छेद किया है उसे पुनः जोड़ना संभव नहीं है। मात्र मात्र क्या? नंदी, श्रृंगी, नारद एवं ऋषि को लेकर जाओ, वन में जाकर देखो, जो भी प्राणी उत्तर दिशा की ओर शीश करके सोया हुआ है उस प्राणी का शीश लेकर आओ। वही शीश अब गणेश के धड़ के साथ। जो भी करना है वो शीघ्र करें। जाओ, अब विलंब मत करो, जाओ। आइए देवश्री आइए। उत्तर दिशा में मात्र यही एक प्राणी शेष मिला। ज्ञात है मुझे, सब ज्ञात है। माते, प्रणाम पिताश्री। गणेश, गणेश, हमारे पुत्र, हमारे प्रिय पुत्र। प्रणाम माते। पार्वती, अब आज से हमारे पुत्र की अर्चना के बाद ही अन्य देवों की पूजा आरंभ होगी। चला गया ये, अब हम उसे कहाँ ढूंढें? गणेश, गणेश, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो, कहाँ हो पुत्र? यहाँ हूँ, इधर। नीचे आओ, नीचे आ जाओ पुत्र, वहाँ से गिर जाओगे। प्रणाम माते। तुम नहीं दिखते हो तो हमें चिंता होने लगती है, नहीं जानते? महादेव।
महादेव 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 महादेव। क्या हुआ, क्या बात है देवर्षि, आप इतने उतावले क्यों हैं? महादेव, अजासुर एवं कालासुर ने आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। वो यहाँ पर आपको बंदी बनाने के लिए आ रहे हैं। क्या वो हमें बंदी बनाएंगे, हमें, उनका ये दुस्साहस? देखिए, महादेव सर्वशक्तिमान देवाधिदेव, हम तुम्हें बंदी बनाने के लिए आए हैं। आज से तुम हमारे दास बनकर रहोगे। यदि तुमने अधिक प्रतिरोध किया तो इस चमत्कारी तलवार से तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर देंगे। हम तुम्हें बंदी बना रहे हैं। आज तुम हमारे बंदी हो। ये तो हिल ही नहीं रहा। दिखाता हूँ, अभी इसे अपनी शक्ति दिखाता हूँ। एक ही क्षण में तुम्हें धराशायी कर सकते हैं। हमारी दासता स्वीकार करो। अब ये हमारे हाथों बनेगा बंदी। देख लिया ना नारद मुनि, तुम्हारे महादेव की क्या दशा है। पहले हम इसे बंदी बनाएंगे, उसके पश्चात इसकी पति पार्वती को भी हम अपने साथ ले जाएंगे। पार्वती को भी। महादेव, वो मृत हैं, वो मृत हो चुके हैं। महादेव शांत हो जाएं, अब आप शांत हो जाएं, दया करें महादेव, कृपा कर शांत हो जाएं महादेव। महादेव का यह रूप नटराज के रूप में जाना जाता है। शिव एवं पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक एवं गणेश के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। क्या आप मुझे स्वर्ग के जंगल से उठाकर लाए हैं? सत्य है पुत्र, परंतु गणेश तथा मेरे मध्य ज्येष्ठ कौन है? निश्चित मैं ही हूँ। पुत्र, ज्येष्ठता का निर्धारण करना क्या आवश्यक है? आवश्यक है पिताश्री। ठीक है, तो तुम दोनों विश्व परिक्रमा हेतु निकल जाओ। जो पहले परिक्रमा करके यहाँ लौटेगा वही ज्येष्ठ होगा। मैं तो मयूर की पीठ पर बैठकर जाऊंगा उड़ते उड़ते, और गणेश वो मूषक पर सवार होकर जाएगा। मूषक की पीठ पर बैठकर जाएगा विश्व परिक्रमा करने। मैं जानता हूँ, मैं ही पहले विश्व परिक्रमा करके लौटूंगा। आज्ञा दे माते। आज्ञा दे माते। अरे गणेश, यात्रा आरंभ करो।
अपने मूषक पर सवार होकर। अवश्य भ्राता कार्तिक। क्या गणेश, तुम अपने इस वाहन पर सवार होकर विश्व परिक्रमा करने जाओगे? अति दयनीय स्थिति है। कहाँ गया वो, कहाँ गया? ये क्या हुआ गणेश, तुम्हारा वाहन ही तुम्हें छोड़कर भाग गया? तुम ही अभी से अपने कंधे पर बिठाकर विश्व परिक्रमा पर निकल जाओ। ये तो आ गया, इस बार ये उड़ेगा। अब देखना। तो पहले तुम प्रस्थान करोगे अथवा मैं? आप प्रस्थान कीजिए भ्राता। चलो ठीक है। गणेश पर दया आ रही है। ये क्या? गणेश ही ज्येष्ठ है कार्तिक, ये ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता में अग्रणी है। गणेश को ज्ञान है कि माता पिता की प्रदक्षिणा करना ही विश्व परिक्रमा करना होता है। ये सत्य है माते, गणेश ही ज्येष्ठ है। देखा भ्राता कार्तिक। ब्रह्मदेव, आप मुझे चिंतित प्रतीत होते हैं। सत्य है, विश्रवा के पुत्र दशानन को मैंने वरदान दिया है कि वो देवता दैत्य राक्षस हिंसक प्राणी इन सब से सदैव अपराजित रहेगा। अब इस दंभ से पूर्ण दशानन महादेव से युद्ध पर उतारू है। महादेव, महादेव, आप यदि ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे फर पाने की चेष्टा में आया हूँ तो ये आपकी भूल होगी। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ संधि करने आया हूँ तो ये भी आपकी भूल होगी। मैं आया हूँ आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने। सभी देवता मुझसे भयभीत हैं। आप शक्तिमान हैं, आप देवाधिदेव हैं। यदि मैंने आपको पराजित कर दिया तो सभी देवता मेरे साथ नतमस्तक रहेंगे। मैं दशानन हूँ। आप मेरे समक्ष आने से भयभीत हो रहे हैं? कहाँ छुपे बैठे हैं आप? दशानन को महादेव ने कैलाश पर्वत में बंदी बनाकर रख लिया। सहस्त्र वर्षों तक बंदी रहा दशानन। उसने निश्चय किया कि अब वो महादेव से युद्ध न करके उनसे वरदान प्राप्त करेगा। परंतु महादेव इतना शीघ्र प्रसन्न नहीं होने वाले थे। इस मध्य एक और कांड हुआ। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उसे वरदान प्राप्त करने हेतु बाध्य हो गए। वर प्राप्त करने भस्मासुर महादेव के समक्ष उपस्थित हुआ। आओ भस्मासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मैं कृतार्थ हुआ। मांगो, क्या वर चाहते हो? मैं जिसे भी स्पर्श करूं वो वहीं भस्म हो जाए। तथास्तु स्वामी। परंतु मैं ये प्रयोग करके देखना चाहता हूं कि मेरा स्पर्श प्रभावी है अथवा नहीं। हाँ, मिल गया। आपने मुझे वर दिया है तो मैं आपको ही स्पर्श करके देख लेता हूँ महादेव। नहीं, यदि ऐसा किया तो मैं भस्म हो जाऊंगा। तो अब मैं किस प्रकार इसका प्रयोग करके देखूं? क्या मैं माता पार्वती को? नहीं भस्मासुर, नहीं।
तुम मुझे ही स्पर्श करो। स्वामी। प्रणाम देवर्षि। अरे भस्मासुर, तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो? महादेव के वर से यदि मैं किसी को स्पर्श करूंगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो अब मैं महादेव को ही स्पर्श करके मैं इसकी सत्यता परखना चाहता हूँ देवर्षि। अच्छा ये बात है, तो तुम स्वयं अपने मस्तक का स्पर्श करके देखो ना। हाँ, ये तो उत्तम विचार है। हम आपके अत्यंत आभारी हैं देवर्षि नारद। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम प्रसन्न हुए। प्रणाम महादेव, अपनी दृष्टता हेतु मैं लज्जित हूँ, मुझे क्षमा करें। तुम्हारी भक्ति से हम संतुष्ट हुए। ये लो वर में हम तुम्हें ये चंद्रहास देते हैं। आप अत्यंत करुणामय हैं। मुक्ति प्राप्त करने हेतु तुमने जो आकाश भेदी आर्तनाद किया था उस कारण आज तुम्हारा नामकरण करते हैं रावण। रावण आज के उपरांत त्रिलोक में तुम्हें रावण के नाम से जाना जाएगा। अत्यंत कृपा महादेव। रावण अब तुम मुक्त हो। मुक्ति। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर रावण शक्तिशाली हो गया था। उसके उपरांत उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वर में चंद्रहास दिया। रावण अत्यंत प्रबल एवं बलशाली हो उठा। युद्ध में रावण को पराजित करना अब किसी मानव के वश में नहीं रह गया था। तब स्वयं भगवान विष्णु ने मानव अवतार ग्रहण कर पृथ्वी पर जन्म लिया, श्री रामचंद्र। और तब महादेव रामचंद्र से मिलने हेतु आए। रामचंद्र। प्रणाम महादेव। आपके दर्शन पाकर मैं पुलकित हो उठा हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। उदास न हो रामचंद्र, रावण के दुराचार को समाप्त करने हेतु तुम ही उसका वध करोगे एवं सीता का उद्धार करोगे। आशीर्वाद दें महादेव। ये लो, इसका नाम है एकाग्नि बाण। मात्र इसी बाण से रावण का वध होगा। मैं कृतज्ञ हूँ। हनुमान एवं इंद्रजीत मेरे ही अवतार हैं, परंतु क्षमताशाली इंद्रजीत को पराजित करना ही होगा। वह अत्यंत दुराचारी है, परंतु हनुमान पवित्र हैं। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जय हो अथवा पराजय, मैं सदैव श्री रामचंद्र का सेवक बना रहूं। आप मुझे यही आशीर्वाद दे देवाधिदेव। हाँ, तुम्हारी जय हो, जय हो। नारायण नारायण। प्रणाम देवराजेंद्र। अरे देवर्षि, पुष्पहार लिए भ्रमण क्यों कर रहे हैं? नारायण की माला आपके लिए लेकर आया हूँ। आपका मंगल हो देवराज। आपका मंगल हो। देखिए देवर्षि,
मेरा ऐरावत कितना सुंदर लग रहा है। छी, देवराज, नारायण के गले की माला आपने ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। अरे रे रे रे, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आपका अहंकार देखकर मैं स्तंभित हूँ। मैं आपको शाप देता हूँ, आपके यहाँ से लक्ष्मी चली जाएगी। देवर्षि, लक्ष्मी तब क्या पुनः महासमुद्र में विलीन हो जाएंगी? देवर्षि, ऐसा क्यों किया आपने? स्वर्ग में हाहाकार मच जाएगा, भयंकर समय आएगा, त्रिलोक में अनर्थ हो जाएगा, समस्त जगत हेतु घोर अमंगल है ये। नारायण का अपमान, इसका दंड देना ही होगा। प्रणाम देवाधिदेव, महादेव। हाँ? ओ, प्रजापति, प्रणाम। क्रोधित देवर्षि के श्राप से स्वर्गलोक से लक्ष्मी जा चुकी हैं। हम किस प्रकार पुनः ला सकते हैं स्वर्ग की लक्ष्मी को? समस्या तो यही है प्रजापति, और भी किसी अनिष्ट की आशंका है? आशंका है जो शीघ्र ही घटेगा। विस्तार से बताएं। वहां समुद्र के तल में वो अमृत कलश है जिसके पान से मृत्यु कभी भी स्पर्श नहीं कर पाएगी। ये समाचार असुरों तक भी पहुंच चुका है तथा उन्होंने अमृत को प्राप्त करने का प्रयास आरंभ कर दिया है, परंतु उनके स्वयं के प्रयास से वो प्राप्त हो पाना असंभव है। अतः वो देवताओं को साथ मिलाकर इस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। वैसे अमृत को वहां से निकालना आवश्यक है, तभी लक्ष्मी का उद्धार हो पाएगा। अब क्या होगा महादेव? होगा, अमृत का उद्धार होगा, लक्ष्मी पुनः स्वर्ग में आएंगी। असुरों को अमृत नहीं मिल पाएगा, परंतु उस अमृत का उद्धार मात्र देवों द्वारा संभव नहीं है। अतः इस कार्य में असुरों का सहयोग लेना ही होगा। परंतु अमृत का उद्धार किस प्रकार होगा? ये मात्र अनंत नाग द्वारा ही संभव है, और इस प्रकार अनंत नाग द्वारा आरंभ करवाया गया समुद्र मंथन, उनके विशाल शरीर ने इस समुद्र मंथन की क्रिया में अनेक यंत्रणा एवं कष्ट सहे। सागर विशाल, देव असुर चल जीतने का। मंथन हो रहा सागर विशाल, देव असुर चल जीतने का। अमृत पिएगा जो मृत्यु को जीतेगा वो, अमृत पिएगा जो मृत्यु को जीतेगा वो, विजयी होने चले असुरों के दल। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। कल्याण हो ब्रह्मा विष्णु शिव जाने परिणाम को। देवता विजयी हो तू विश्व कल्याण हो,
ब्रह्मा विष्णु शिव जाने परिणाम को, असुर अमर होंगे पापड़ जाएंगे, असुर अमर होंगे पापड़ जाएंगे, त्रिलोक विनाश होंगे कोई रोके इसको। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। जोर लगाए खींचे से स्नान को, असुर भी शक्ति से खींचे से स्नान को, देवता जोर लगाए खींचे से स्नान को, असुर भी शक्ति से खींचे से स्नान को, से स्नान खींचते जाए, से स्नान खींचते जाए, दोनों ही दिशा से खिसते जाए, दोनों ही दिशा से, किसी को विजय मिले किसी की आभार हो। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। राक्षस विजयी हो तो सब होगा ध्वंस, अंत हो जाएंगे देवता के वंश। राक्षस विजयी हो तो सब होगा ध्वंस, अंत हो जाएंगे देवता के वंश। कामना है देवों की अमृत मिल जाए, ओ कामना है देवों की अमृत मिल जाए, असुर न पी जाए कहीं अमृत को। समुद्र मंथन, अमृत, 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 ये अमृत हमारा, अमृत, हमें पिलाओ, हमें दो अमृत, ये हमारा है। महादेव, महादेव, अब क्या होगा? असुरों ने तो विष्णु, महादेव, सुंदरी का रूप धारण करें एवं इसी क्षण जाएं, जाएं असुरों के समक्ष तथा उन्हें मोहित करें, इसी क्षण जाएं। सुंदर नारी अमृत, अमृत, देवताओं का उद्धार करने हेतु श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया एवं असुरों को पथ भ्रष्ट कर अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं को अमृत कलश की प्राप्ति हो गई है। तुम्हारा विष हमें ही पान करना होगा, न किया तो इस जगत का विनाश सुनिश्चित है। इस भयंकर विष के पान से मृत्यु निश्चित थी। समस्त प्राणी भयभीत थे, देवतागण संत्रस्त थे। महादेव, महादेव, अब क्या उपाय है? जगत का विनाश हो जाएगा देवाधिदेव। आप सर्वशक्तिमान हैं, रक्षा करें महादेव, किसी प्रकार से रक्षा करें। हम अब विष पान करेंगे। नहीं महादेव, कोई अन्य उपाय नहीं है प्रजापति ब्रह्मा। हमें अत्यंत दुख है अनंतनाग, हमें आपकी स्थिति पर दुख है। आप पुण्य आत्मा हैं, आपके कारण ही आज देवताओं को अमृत कलश प्राप्त हुआ है। आपका विष हमें पान करना ही होगा, न किया तो इस जगत का विनाश हो जाएगा।
नहीं, क्षमा करें प्रभु, प्रार्थना है आप इस विष का पान ना करें। ये विष उदर में प्रवेश करने के पश्चात किसी को जीवित नहीं छोड़ता। ज्ञात है, परंतु हम इस जगत के संरक्षक हैं अनंत नाग, अतः इस जगत की रक्षा हमें ही करनी होगी। परंतु आपका जीवन नहीं बच पाएगा। ज्ञात है अनंत नाग, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे महादेव। ब्रह्मा, आपका नाम सृष्टि भी है, आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। आपने यदि जीवन दान दिया महादेव, तो इस संसार का क्या होगा प्रभु? आपका एक नाम स्थिति भी है, जब आप हैं तो। नहीं नहीं महादेव, आप ही सृष्टि हैं, आप ही स्थिति हैं, आप ही संहार हैं। संहार का अर्थ सृष्टि का संहार नहीं है विष्णु, सृष्टि की रक्षा करने हेतु विनाश का संहार करना ही हमारा कार्य है। अतः आप सब अब जाएं। हे जीवन घाती विष, आओ। अब क्या होगा? कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। रक्षा करें महादेव। हे महादेव, हमारी रक्षा करें। यदि तत्काल उपाय नहीं किया गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? विगत जन्म में आपका अपमान न सहन कर पाने के कारण हमने देह त्याग किया था। सहस्त्र वर्षों के उपरांत हिमालय के घर में जन्म लेकर कठिन तपस्या की, तब जाकर आपको स्वामी के रूप में प्राप्त किया है हमने। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं आप? मैंने समस्त विषपान कर लिया है। अब ये जगत विपदा मुक्त है। हम आपको नहीं जाने देंगे स्वामी। ये भयानक विष आपके उदर में प्रविष्ट हो गया तो आप इससे बच नहीं पाएंगे, अतः हम इस भयानक विष को आपके उदर में प्रविष्ट नहीं होने देंगे। कदापि नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। पार्वती ने विष को महादेव के उदर में प्रवेश करने से रोक लिया। वो समस्त विष महादेव ने अपने कंठ में धारण किया और उनका वर्ण नीला हो गया, तभी तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ। उस जीवन घाती विष के संपर्क में आने के कारण माता पार्वती ने श्याम वर्ण धारण किया एवं वो हुई श्यामा। स्वर्ग में अब सुख व्याप्त था, जगत भी अब पूर्ण रूप से शांत था। संपूर्ण देवतागण एवं मानव निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। सर्वत्र शिवजी की उपासना होने लगी। महादेव की अर्चना अब सभी देवतागण ने भी आरंभ कर दी। उन्होंने स्वीकारा कि महादेव ही सर्वशक्तिमान है, विलक्षण है, वो देवाधिदेव है, वही सृष्टि है, वही स्थिति है, वही संहार है, नीला आकाश, श्वेत मेघ, समस्त परिवेश अलंकृत हो रहा था। संपूर्ण जगत अब विपदा मुक्त था एवं महादेव
पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक एवं गणेश के साथ अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माते। नमस्ते रुद्रमन्यव भूतोत इशवे नमः बाहुव्य मुतते नमः याते रुद्र शिवातनु घोरः पापकाशिने दयानस्तन्वशान्तमया निरीशन्ता विचाकशे यमीशु गिरीशन्त हस्ते बिर्भनयन्तवे शिवांगीरित्वतांकुरु माहिंसी पुरुषं यगत् शिवेन वचसात्वा गिरीश्वाच्वावरामसे यथान सर्वमेक्य नदयक्षं सुमनास अध्यवोचदधीवक्ता प्रथमो दैव्योभिषे अहिंश्च सर्वांजं भयन् सर्वाश्चो यातु धान्यो धराचि परासुव असोयस्ताम्रु अरुण यूतो बभ्रु सुमंगल ये चैन्यं रुद्रा अभीतो दिक्षु शीता सहस्रो वैशं एद इमहे असौ मोहवसपति नीलग्रीवो विलोहित तैनंगोप अदृशन्न विष्णन्नुत हर्यस तिष्ठो मीरायतिन नमस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेतुषे अथो ये अस्य सत्वानं देवोह करं नमः प्रमुञ्च धन्वन्व हस्तमुभायोर्ज्यां यश्च ते हस्त ईशवः पराता भगावपः विज्यं धनुकपर्दिनो विशल्यो वानुवाउत अनेशन्नस्य यायशव आभुरस्य निसंगधिः याते हेतिमिरुष्टम हस्ते बभूवते धनु मया मन्विश्वतस्त्वः मयक्ष्वया परिभुज परीते धन्मनो हेति रश्मानृणक्तु विश्वत अथो य ईशन्ति वारे अस्मान्नि हेहितम् अवतद्य धनुस्त्वं सहस्राक्ष शतेषुधे निशीर्य शल्यनं मुखा शिरोमासु मना भव नमस्तु आयुधायन ददाय विष्णवे उभभ्यामोतते नमो अहुभ्यं तव धन्मने मनोमाहन्तमूतमानो हव्यर्कं मान अक्षन्त मूतमान कुक्षितं मानवद्दीपितरमोत मातर मानुप्रियस्तन्मो रुद्र रोरिष मानस्तु केतनय मान आयुष मान गोषु मानो अश्वेषु वीरिष मानवीरा रुद्र वामिनेधिः विष्मन्त सदा नित्वा हवामहे अभिषेक समर्पया